हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सबका फिर से स्वागत है हमारी चैनल पर, जहां हम आपकी डेली लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसे टिप्स देते हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। देखिए, हेल्दी रहने के लिए अब तक आपने बहुत ही सारी चीज़ें हेल्दी खाई होंगी, कसरत के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको पता है कि खूबसूरत और खुशबूदार फूल भी आपकी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं? जी हाँ, सजावट के काम आने वाले फूल सेहत का भी ख्याल रखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे फूलों के बारे में जो आपकी सेहत को बहुत ही अच्छे से सुधार सकते हैं। देखिए, प्यार का इजहार करने वाले गुलाब हो या भगवान को चढ़ाया जाने वाला गेंदा और गुड़हल, ये सारे खूबसूरत फूल आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले पता है ना क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए व्यूअर हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। गेंदे की अगर बात करें तो पीले रंग के गेंदे के फूल जो अक्सर माला बनाने में यूज होते हैं, आपको पता है कि इसका यूज चाय बनाने में भी किया जाता है। इसमें पिगमेंट लूटीन नामक एक तत्व होता है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपकी आंखों में दर्द रहता है या आपकी आईसाइट वीक होने लगी है तो आप गेंदे के फूल की चाय पिए, बहुत फायदा मिलेगा। अगर गुड़हल के फूल की बात करें तो ये फूल बालों और त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कई अध्ययन के मुताबिक ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करता है। आपको बताना चाहूंगी कि कई जगह लोग गुड़हल की चाय भी पीते हैं, ये लीवर की कई प्रॉब्लम्स को सही करता है। तीसरा है चमेली का फूल। जी हाँ, इसका इस्तेमाल ग्रीन टी में किया जाता है, साथ ही सलाद और मिठाई में भी चमेली के फूल का यूज किया जाता है। इसमें एंटीवायरल गुण होते हैं। चमेली की पत्तियों को खाने से कई तरह की समस्याएं जैसे कि मुंह के छाले, बवासीर, पेट के कीड़े, दाद, खाज, इनमें बहुत राहत मिलती है। गुलाब, जी गुलाब की नहीं सिर्फ सुगंधित बल्कि स्वाद में मीठी होती है। रोज फ्लेवर वाला दूध भी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। गुलाब में विटामिन ई और ए होता है। गुलाब की पत्तियों को ऐसे खा सकते हैं या फिर सलाद में मिक्स करके या सूखा हर्ब्स में मिक्स करके भी खा सकते हैं। लेवेंडर की अगर बात करें तो बैंगनी रंग के इस फूल की खुशबू इतनी मनमोहक होती है कि इसको सूंघकर ही मजा आ जाता है। इसके फ्लेवर के कारण ही इसका इस्तेमाल चाय, कुकीज, मिठाई में किया जाता है, और एसेंशियल ऑयल भी लेवेंडर का ही होता है। कैमोमाइल की अगर बात करें तो छोटे छोटे सफेद और पीले रंग के खूबसूरत फूल औषधियों गुणों से भरपूर है। जी, यदि आप चाय के शौकीन हैं तो अपने कैमोमाइल टी के बारे में तो सुना ही होगा। ये हर्बल चाय इसी फूल से बनती है और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये आपको रात में नींद भी अच्छी देती है, और अगर आपको स्ट्रेस है, परेशानी है, तो आपका दिमाग बिल्कुल शांत कर देती है। सूरजमुखी की अगर बात करें, विटामिन और मिनरल से भरपूर सूरजमुखी से कुकिंग ऑयल बनाया जाता है। इसके अलावा इस फूल की पत्तियां और बीज का भी सेवन किया जाता है। केसर, मिठाई, बिरयानी और दूसरे मीठे व्यंजनों का रंग और फ्लेवर बढ़ाने के लिए केसर का यूज होता है, और ये बहुत महंगा आता है, इसलिए बहुत कम मात्रा में इसका यूज होता है। ये पेट की समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद होता है। तो ये थे कुछ फूल जो बहुत ही फायदेमंद होते हैं, और अगर आप इनका यूज नहीं करते तो आज से ही यूज करने लग जाइए, क्योंकि इनकी चाय या फिर इनसे जुड़े हुए खाने बहुत टेस्टी और बहुत फायदेमंद होते हैं। कैसे लगी आपको वीडियो, बताने के लिए लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।